बॉलीवुड की डस्की ब्यूटी सुष्मिता सेन 46 साल की हो चुकी हैं। 19 नवंबर को सुष्मिता का जन्मदिन होता है। 19 नवंबर 1975 को सुष्मिता का जन्म हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ था। 45 की दहलीज पार करने के बाद भी सुष्मिता कुंवारी हैं। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। वैसे ऐसा नहीं है कि सुष्मिता की जिंदगी में कोई खास शख्स नहीं है। लंबे वक्त से सुष्मिता मॉडल और फोटोग्राफर रोहमन चौल को डेट कर रही हैं। सुष्मिता और रोहमन अपने रिश्ते को लेकर इतना सीरियस हैं कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। खास बात तो ये है कि सुष्मिता अपने बॉयफ्रेंड रोहमन से 15 साल बड़ी हैं, लेकिन उम्र का ये फासला इनके रिश्ते के आड़े नहीं आता है। वैसे ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि रोहमन सुष्मिता की जिंदगी में आने वाले पहले शख्स नहीं है। रोहमन से पहले सुष्मिता कई लोगों को डेट कर चुकी हैं। डायरेक्टर विक्रम भट्ट से लेकर मुदस्सर अजीज, वसीम अकरम और अनिल अंबानी तक, करीब एक दर्जन लोगों के साथ सुष्मिता का नाम जुड़ चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो रोहमन सुष्मिता की जिंदगी में आने वाले 12वें बॉयफ्रेंड हैं। अपने लव रिलेशनशिप्स को लेकर सुष्मिता अक्सर विवादों में घिरी रही हैं। कहा जाता है कि सुष्मिता प्यार के रिश्ते हैंडल नहीं कर पाती हैं। हालांकि ये सुष्मिता की जिंदगी का सिर्फ एक पहलू है। सुष्मिता की जिंदगी का दूसरा पहलू भी है और वो है माँ का। जी हाँ, सुष्मिता अपने प्यार के रिश्ते को लेकर भले ही बदनाम रही हो, लेकिन इस बात को कोई नहीं झुटला सकता कि वो बेहतरीन माँ है। माँ के तौर पर सुष्मिता ने दुनिया के सामने मिसाल कायम की है। बता दें कि सुष्मिता सेन 2 बेटियों रेने और आलिशा की सिंगल मॉम है। ये वो रिश्ते हैं जिन्हें सुष्मिता ने खुद चुना और अपने इस फैसले को वो जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला बताती हैं। 1994 में मिस यूनिवर्स बनने के बाद सुष्मिता सेन जब बॉलीवुड में अपना करियर जमाने में लगी थी, तभी उन्होंने एक बेटी को गोद लिया जिसका नाम उन्होंने रेने रखा। साल 2000 में सुष्मिता ने रेने को अडॉप्ट किया था। सुष्मिता शादीशुदा नहीं थी, इसलिए उन्हें बच्ची को गोद लेने के लिए काफी कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। रेने के बाद सुष्मिता ने साल 2010 में दूसरी बेटी अलीशा को भी गोद लिया। सुष्मिता दोनों बेटियों की परवरिश बेहद शानदार तरीके से कर रही हैं। रेने 21 साल की हो चुकी हैं, जबकि अलीशा 12 साल की हैं। रेने अब लाइट्स, कैमरा, एक्शन की दुनिया में भी कदम रख चुकी हैं। कुछ महीनों पहले ही उनकी शॉर्ट फिल्म सुट्टाबाजी रिलीज हो चुकी है। वहीं अलीशा भी स्कूल में पढ़ती हैं। सुष्मिता की दोनों बेटियां पढ़ाई लिखाई के अलावा म्यूजिक, डांस, पेंटिंग और कुकिंग में भी आगे हैं। अपनी बेटियों की तस्वीरें और वीडियोस वो अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं और दोनों लाडलियों पर प्यार लुटाती दिखती हैं। माँ बेटियों की ये बॉन्डिंग जबरदस्त है। लंच और डिनर आउटिंग से लेकर वेकेशन तक पर सुष्मिता अपने बेटियों को साथ ले जाती हैं। तीनों जमकर मस्ती करती हैं। यहाँ तक कि रोहमन के साथ भी रेने और अलीशा की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। बड़ी बेटी रेनी को सुष्मिता अपना फर्स्ट लव बताती हैं। एक इंटरव्यू में बेटियों के बारे में बात करते हुए सुष्मिता ने कहा था कि मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने 2 बार ये अनुभव किया है। मैंने बच्चों को दिल से जन्म दिया है। ये कनेक्शन कभी नहीं टूट सकता। मैं हर दिन माँ होने का अनुभव करती हूँ। सुष्मिता अपनी बेटियों को अपनी जान और अपनी राजकुमारी बताती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।